हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोस्ट अवेटेड थीम, जो कि गाइस 1UI 3.0, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बट गाइस, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि गाइस ऐसे आने वाली हर एक मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एंड गाइस, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। आप लाइक करके भी पूरा नहीं करते और लाइक भी नहीं करते तो गाइस प्लीज़ थीम बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि गाइस आपको ये थीम कैसे लगी। अगर नहीं अच्छी लगती तो कमेंट में बताना कि ये थीम क्यों अच्छी नहीं लगती। सो गाइस, चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि गाइस एक गेमिंग एप्लीकेशन, जहाँ पर आप गेमिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आपका आईक्यू लेवल ज़्यादा अच्छा है तो आप यहाँ पे बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो भी गाइस पूरे 9 गुना ज़्यादा। अगर आप इसमें 200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 200 रुपये अमाउंट जीतते हैं तो आपको पूरे 9 गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो गाइस, देर किस बात की है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं गाइस अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पर गाइस मैं 1UI 3.0 का थीम अप्लाई कर लूँगा। पर गाइस, उससे पहले अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता या आपको थीम डाउनलोड करना नहीं आता तो गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड और हाउ टू अप्लाई थीम करके। तो गाइस, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर गाइस मैं अपना थीम ऐप ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट नंबर की थीम देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको प्रीव्यू कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं, थीम का प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। मैं गाइस सिंपली इस अप्लाई के आइकन पे टैप करके थीम को अप्लाई कर ले रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, ये थीम अप्लाई हो रही है हमारी। तो अप्लाई करने के बाद तुरंत गाइस हमारे होम स्क्रीन का वॉलपेपर भी चेंज हो जाएगा, जो कि गाइस देखने में बहुत ही मस्त है। वॉलपेपर के साथ साथ गाइस आपको होम स्क्रीन का सेटअप भी कुछ इस तरह से कर लेना है, क्योंकि गाइस सेटअप नहीं करेंगे तो आपके होम स्क्रीन का लुक कंप्लीट 1UI की तरह नहीं लगेगा। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने होम स्क्रीन का सेटअप भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, होम स्क्रीन के सारे आइकन्स हमारे चेंज हो चुके हैं। सभी आइकन्स आपको जो आपको 1UI 3.0 है उस इसी की तरह देखने को मिलते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल एंड मस्त हैं। तो गाइस, आप भी ये थीम अप्लाई करके अपने किसी भी वीवो स्मार्टफोन को एक 1UI 3.0 का बहुत बड़ा सा लुक दे सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी फोल्डर आइकन, गूगल आइकन, सभी आइकन्स आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सभी आइकन्स गाइस आपको इस बार छोटे देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाइस आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं गाइस 1UI का आइकन थोड़ा छोटे कर दो, क्योंकि गाइस बड़े आइकन फिर भी बहुत अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए गाइस मैंने आइकन छोटे कर दिए। तो आपको इस बार और भी मजा आने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं, होम स्क्रीन का सेटअप भी बहुत ही बड़ा सा है, आइकन भी आपको बहुत ही बड़ा से देखने को मिलते हैं 1UI 3.0 की तरह, जो पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर गाइस मैं बात करूँ इस टाइम का डायलर यूआई को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको जो डायलर यूआई देखने को मिलती है वो भी गाइस आपको कंप्लीट 1UI की तरह देखने को मिलती है, जो कि दिखने में बहुत ही बड़ा सी है। आप में से काफ़ी डिवाइस में ये UI चेंज नहीं होती, तो गाइस वो फंड चॉइस के हायर वर्जन की वजह से है। तो गाइस उसके लिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं। तो यहाँ पर गाइस मैं बात करूँ इस थीम के कंट्रोल पैनल को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको जो कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है वो भी गाइस आपको 1UI 3.0 की तरह देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस नीचे वाले जो बैकग्राउंड है वो आपको ट्रांसपेरेंट की तरह देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, जो कि दिखने में और भी मस्त है। तो गाइस कंट्रोल पैनल भी आपको इस थीम में बहुत ही बड़ा सा देखने को मिलने वाला है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से ये चेंज होने वाला है कंट्रोल पैनल। आइकन भी इस कंट्रोल पैनल के आपको 1UI की तरह थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही बड़े से हैं। गाइस इतना ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे इस थीम के स्टेटस बार को देखेंगे तो वो भी गाइस आपको इसमें मॉडिफाइड देखने को मिल जाएगा। ये गाइस आपको 5G नेटवर्क नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस आप में से बहुत लोग कहते हैं भाई 5G हटा दो थीम में से, क्योंकि गाइस वो दिखने में अच्छा भी नहीं लगता और फेक लगता है, इसलिए मैंने इस बार 5G इस थीम से हटा दिया है। तो गाइस आपको इस थीम में स्टेटस बार भी मॉडिफाइड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बैटरी आइकन वगैरह भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस मैं बात करता हूँ इस थीम की सेटिंग यूआई को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको सेटिंग यूआई पूरी चेंजेस देखने को मिल जाएगी, जो कि गाइस 1UI की तरह ही है। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे तो सभी आइकन्स आपको मॉडिफाइड देखने को मिलेंगे, जो कि दिखने में बहुत ही बड़े से हैं। एंड उसके बाद गाइस मैं बात करूँ इस थीम के जो सिस्टम नेविगेशन की आती है वो, तो वो भी गाइस आपको इस थीम में 3 डिफरेंट तरह के देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपके स्मार्टफोन का लुक कम्प्लीट एनहेंस करने वाले हैं। उसके बाद गाइस मैं अगेन सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाके गाइस मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ, तो यहाँ पर गाइस हम जाते हैं सिस्टम अपडेट में। सिस्टम अपडेट में गाइस आपको न्यू लोगो देखने को मिलने वाला है, जो कि गाइस 1UI 3.0 है, जिससे कि गाइस अगर आपका स्मार्टफोन कोई पकड़ता है तो वो बोलेगा कि भाई ये तो 1UI का डिवाइस है, फंड चॉइस का नहीं है, क्योंकि सभी जगह आपको 1UI का लुक देखने को मिलने वाला है, जिससे कि लगेगा कि आपके डिवाइस में 1UI इंस्टॉल्ड है।
अगर हम जाते हैं अबाउट फोन में तो वहाँ भी गाइज आपको 1 ईयर का लोगो देखने को मिलने वाला है, जिससे कि आपके स्मार्टफोन का लुक कम्प्लीट 1 ईयर की तरह होने वाला है। तो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ इस थीम के मेन फीचर की, मतलब कि जो इस थीम का मेन पार्ट है वो है, तो वो है गाइस इस थीम की लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन को देख के आप भी बोलेंगे वाओ इट्स अमेजिंग, क्योंकि गाइस जो लॉक स्क्रीन का लुक देखने को मिलते हैं वो पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और गाइस आपको भी पसंद आने वाला है, क्योंकि गाइस जो आपको लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर देखने को मिलने वाला है वो भी बहुत ही बड़ा सा है, और जो क्लॉक विजेट देखने को मिलने वाला है वो भी गाइस आपको कंप्लीट 1 ईयर की तरह देखने को मिलने वाला है। नीचे आप जो देखेंगे डायलर कैमरा का आइकन वो भी गाइस आपको 1 ईयर 3.0 की तरह देखने को मिलने वाला है। ऊपर गाइस आपको लॉक का आइकन देखने को मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अब गाइस आपको ये क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि गाइस अभी मैंने चार्जिंग में लगाया हुआ है, तो चार्जिंग एनिमेशन भी आपको इस थीम में बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलता है गाइस। तो गाइस आपको ये थीम जरूर से जरूर एक बार चेकआउट कर लेनी चाहिए। चार्जिंग एनिमेशन देख सकते हैं गाइस काफ़ी कूल एंड काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। बैकग्राउंड आपका पूरा ब्लैक हो जाएगा जब आप चार्जिंग में लगाएंगे अपने स्मार्टफोन को। ऊपर आपको लॉक आइकन देखने को मिलता है, सेंटर के ऊपर आपको क्लॉक विजेट देखने को मिलता है, नीचे आपको डायलर वगैरह के शॉर्टकट देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर गाइस ये थीम बहुत ही बढ़िया सी है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना कि आपको ये थीम कैसे लगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।